देख ये कैसा लड़ रहा तू, लड़की ऐसी मिली थी भैया ये कान। दोस्तों अब मेले के मेन गेट में आ चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं आज हम लोग? कानपुर के दशहरा सबसे बड़े मेले में जा रहे हैं। अरमापुर। नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कानपुर का सबसे बड़ा मेला देखने। तो इस बार ब्लॉग बहुत ही बड़ा शूट होने वाला है। फिलहाल तो मैं कानपुर के बारे में तो नहीं पता है, तो हमारे आशीष भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं। आज ये बताएंगे कानपुर का मेला कहाँ लगा है, कैसे जाना है, सारी चीज़ें यही हमें गाइड करेंगे। तो बताइए भाई कहाँ का मेला है आज? कानपुर कल्याणपुर में रतनपुर स्टेट है। बहुत अच्छा मेला लगता है, बहुत बड़ा भी है, मतलब कंजेस्टेड नहीं है, रिलैक्स होकर घूम सकते हैं और बहुत इंजॉय कर सकते हैं। और मतलब इतना मज़ा आने वाला है कि तुम्हें क्या बताएं। तो हम वहाँ जा कर के आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। चलो ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं मेले की ओर। तो अब दोस्तों हम लोग जा रहे हैं मेला देखने, हमारी बाइक हो गई स्टार्ट। अरे हम आ रहे हैं 5 मिनट में, मना करो बाबू आ जाएंगे भैया, टेंशन ना लो, अभी तो तुम्हें आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे ठीक है। मेला देखने नहीं जा रहे हैं बाबू, समझा करो, कहीं नहीं जा रहे हैं, मेला देखने नहीं जा रहे हैं। आओ अर्जुन भाई बैठते हैं, चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब बैठने वाले हैं हम। दोस्तों अब मेन हाईवे में हम आ चुके हैं और अब जा रहे हैं मेले की ओर। दोस्तों यहाँ पर मेले में तो बहुत ही भीड़ है और ये कानपुर का मेला है। ये देख सकते हैं मेरे सामने कितना क्राउड है, आसपास भीड़ भीड़ है। अभी तो फिलहाल हम अपनी बाइक पर हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है। आइए अब आपको हम रावण दिखा, और ये रहा दशहरे के मेले का रावण। 10 सिर हैं देख सकते हैं, वैसे भीड़ बहुत सारी। दोस्तों बहुत सारे लोग आए मेले में, अभी हम दूसरी ओर से जा रहे हैं। वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, अब आप शांति से मेले को देखिए। फिलहाल तो हमारे आशीष भाई ड्राइविंग कर रहे हैं। आशीष भाई हेलो, कैसे हो? बहुत भीड़ है, बहुत
खाते में रहे भाई, इतनी भीड़ है। अरे आशीष भाई मेले के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो बोलिए आशीष भाई। हमारी तो हालत ख़राब हो गई, इतनी भीड़ में कभी निकला नहीं वहाँ से, तो बहुत हालत ख़राब हो गई है मेरी। ये देखो झूले वूले झूलने के लिए बहुत अच्छा बनाया गया है भाई। इतनी भीड़ तो गाँव में नहीं होती जितनी कानपुर में। हमने सोचा नहीं था कि कानपुर के लोग भी इतना मेला देखते हैं। इतने क्राउड में कैसे घूम रहे पर घूम लो पर यहाँ के लोग भी मेले का फुल आनंद लेते हैं भाई। देखो तभी तो इतनी सारी भीड़ है। आप अच्छे से जानते होंगे कि आपने भी बहुत बार झूला हुआ ऐसे झूलों से। यहाँ सभी भाई बस हम ही लोगों को, हमें और आशीष भाई को देख रहे हैं। भाई मेले से काफ़ी दूर निकला है, वहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। अभी आशीष भैया एक्सप्लेन करेंगे, ये बहुत अच्छे समझ सकते हैं। अरे इतना पब्लिक से बाहर निकल के बहुत सुकून मिला हमको, सच बता रहे हैं बहुत। हाँ भाई सुकून तो भाई अभी यहाँ पर, वहाँ बहुत सारी भीड़ थी, आपने पीछे तो देखा होगा वीडियो में। हाँ बोलो। हाँ दोस्तों, बच्चों वाला रावण जो हमारी ऑडियंस छोटे छोटे बच्चों की है जो देखती है, उनके लिए ये चीज़ बहुत प्यारी है, उनको बहुत मजा आने वाला है। ये हमारे चौरसिया भैया हैं, 9 बजे पान किसी को नहीं देते हैं, लेकिन आज देखो 10 बज रहा है, हमको खिला दिया। हम दुनिया में हर जगह पान खा लें, लेकिन इनके जैसा पान कोई नहीं बना सकता, मेरा फेवरेट है, तो बहुत अच्छा बनाते हैं। और ये रहे इनके पान की शॉप, काफ़ी अच्छे और प्यारे पान लग रहे हैं, और हम भी आज पान खा रहे हैं क्योंकि आज है दशहरा, इसलिए आज हम भी इसका फुल मज़ा लेने वाले हैं। दोस्तों अब दोस्तों चौरसिया पान की दुकान से पान खा चुके हैं, देख सकते हैं मेरे मुंह को, काफ़ी अच्छा लग रहा है पान। पान बहुत स्वादिष्ट बनाया है और मज़ेदार पान है। ये देखो ये भी मीठा पान का फूल, पान इतना ज़्यादा बड़ा कि मुंह नहीं चल रहा है काफ़ी बड़ा पान था। आप दोस्तों चौरसिया पान की दुकान से जा रहे हैं, बड़े मेले की ओर। आशीष भाई ये कानपुर की सबसे सुनसान जगह, यहाँ पर चुड़ैले को कई बार देखा गया है। अरे यहाँ चुड़ैले आती है दोस्तों मेरे साथ भाई, इसलिए मेरा डर नहीं है स्पीड का। दोस्तों अब कानपुर के सबसे बड़े मेले अरमापुर के ओर निकल चुके हैं, ये वहीं का रास्ता है जो सीधा मेले से जुड़ा। आशीष भाई बताइए कैसा फील हो रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्या होता है सच में बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है और सच में यहाँ का माहौल ठंडा है, पूरे कानपुर से यहाँ पर ज़्यादा ठंडी हवा लग रही है। वाओ सच में बहुत ठंडी हवा लग रही है। और ये दोस्तों मेला भी बहुत बड़ा है, हमारे आशीष भाई बता रहे हैं, आप बताइए। मेला बहुत बड़ा है, बहुत आनंद आने वाला है, लास्ट तक बने रहो, मज़ा आ जाएगा, सच में मज़ा आएगा। दोस्तों बने रहिए, आप देखना कितना तगड़ा मज़ा आएगा। ये देखिए मेरे पीछे लाइट्स क्या कमाल की लग रही है भाई। दोस्तों ये आप मेरे पीछे जितनी भीड़ देख रहे हैं, ये अरमापुर मेले के रास्ते की भीड़ है। यहाँ पर जितने भी लोग मेला देखने आए हैं, एक बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे लगता है आज के दिन मेले में लाखों लोग मेला देखने आए हैं, क्योंकि मैं यहाँ जब से देख रहा हूँ यहाँ पर लोग जाते हुए ही दिख रहे हैं, और गाड़ियाँ भी बहुत सारी आ जा रही हैं। अभी तो फिलहाल यहाँ पर जाम लगने की संभावना दिख रही है, पर जाम नहीं लगने वाला है। सच में दोस्तों अपने इंडिया में मेला देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं, क्योंकि दशहरा का मेला है और यह सबसे बड़ा त्यौहार भी है। अब भाई सच में यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, और जाने वाले लोग कितने हैं, ये सब घर की ओर जा रहे हैं।
मेले की एक खासियत है, मैं कब से देख रहा हूँ यहाँ पर जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और आने वाले लोगों की संख्या कम है। ये सभी लोग घर जा रहे हैं मेला देख के, भाई कितने लोग जा रहे हैं। पीछे से आपने वीडियो में देखा ही होगा, ट्रक लोग जा ही जा रहे हैं और हमारे यहाँ आते आते हुए 1,500-2,000 लोग निकल गए होंगे, इतनी सारी भीड़ है। ये देखो भाई मेला कितना बड़ा है, देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, भीड़ तो अब इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। अब दोस्तों भाई गाड़ी को पार्किंग करने जा रहा है और हम भी आ रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारी गाड़ी को पार्क किया गया है और पर्ची मिल चुकी है। दोस्तों यहाँ पर बाइक्स कितनी खड़ी हैं, भाई बाइक से भाई, और हाँ भाई मुस्कुरा रहा है। दोस्तों इनके तो मज़े ही अलग है, बहुत तेज फोटो बना रहे हैं। ये रही दोस्तों कानपुर मेले की खतरनाक भीड़ और वो रहा झूला। दोस्तों अब मेले के मेन गेट में आ चुके हैं, यहाँ से कर रहे हैं मेले के अंदर प्रवेश। भाई मेले में तो बहुत सारी भीड़ है भाई। आशीष भाई बताओ भीड़ के बारे में। चक्कर आ रहा दोस्तों, भीड़ इतनी थी कि हमारे आशीष भाई को चक्कर भी आने लगे थे। और यहाँ को तो आप देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं, जो जहाँ तक झूला है उसके आगे तक पूरे लोग ही लोग हैं। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी भीड़ होगी, और आसपास भी देख सकते हैं ये सब लोग ही लोग दिख रहे हैं। और ये रहे कुछ प्यारे भाई लोग, जो गैस कीजिए ये भाई लोग क्या देख रहे हैं, पता है बहुत ही मजेदार चीज़ है। ये भाई लोग सभी लोग पर्दे के अंदर ढकी टीवी को देख रहे हैं। देखने का जुनून, टीवी देखने का जुनून क्या है, आज इन लोगों से आप देख के सीख सकते हैं। पर्दे के अंदर ढकी टीवी को बड़े शौक से देख रहे हैं। दोस्तों अब हम आपको इस मेले की सबसे खूबसूरत चीज़ दिखाने वाले हैं, सच में आपको बहुत पसंद आएगी ये चीज़। जन्नत जन्नत जैसे बोलते हैं जन्नत, भाई सच कह रहा है यहाँ पर जन्नत ही है, आइए आपको जन्नत दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ कमेटी के लोगों ने बहुत अच्छे से आसपास के माहौल को, यानी इस चीज़ को बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया है, मूर्तियों को इतने अच्छे से अरेंज किया है और मूर्तियाँ बहुत ही खूबसूरत और लुभावनी लग रही हैं। आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं, शायद वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि खूबसूरती बेमिसाल है और यहाँ के लोग बड़े प्यार से देख रहे हैं। ये रही दोस्तों जन्नत, सच में भाई भाई ने सही बोला था, आशीष भाई ने सही बोला था कि जन्नत है। वाकई में यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो लग रहा था इसमें मज़ा नहीं आएगा, ऐसे नॉर्मली चल रहे बस इन्जॉय करेंगे चल के, लेकिन यहाँ सच में इतना मज़ा आ रहा है, इतने सारे लोगों को देख रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है, तो सच में बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ भाई सच में बहुत मज़ा आया, आशीष भाई हमें बहुत अच्छी जगह लेकर आए हैं, देखिए यहाँ पर सच में जन्नत वाली फील आ रही है। और ये रही हमारी काली जी, जो सच में बहुत विशाल रूप में दिखाई जा रही है, और ये भी कोई देवी है, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे हम लिख रहे अब आइए आपको मैं एक सबसे अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए हिमालय पर्वत और शिवलिंग और महादेव, लग रहे हैं ना बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे, पूरी हिमालय वाली फील आ रही भाई, कितने अच्छे से बनाया है और खूबसूरती तो ऐसा लग रहा है कि हिमालय वाली ही है। आप दोस्तों मेले के झूले की तरफ जा रहे हैं, यहाँ तो झूले बहुत दूर से प्यारे लग रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। पब्लिक बहुत है ना, ये देखो दोस्तों कितने प्यारे झूले लग रहे हैं यहाँ से, आइए पास चल के आपको दिखाता हूँ। आप दोस्तों झूले के पास जा रहे हैं, झूला झूला झूल के मानते हैं। हाँ चलिए झूला झूलते हैं। दोस्तों मेले सच में इस टाइप के होने चाहिए, जहाँ पर भीड़ तो हो पर मज़ा फुल आए घूमने में। आप क्या कहना चाहोगे भाई मेले के बारे में? हमें तो मज़ा आ गया भाई, इतना मज़ा है क्या बताएं, हम तो वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ भाई बहुत सारा मज़ा आने वाला है, आने वाला नहीं बल्कि आ रहा है भाई, यहाँ पर सच में बहुत मज़ा आ रहा है।
ब्लॉग बनाते क्या? हाँ ब्लॉग ब्लॉग कितने सब्सक्राइबर है? अभी तो उन्होंने स्टार्ट किया, ज़्यादा नहीं बनाया। दोस्तों हम ब्लॉग बना रहे थे तो एक लड़का पूछ रहा था कि भाई आपके सब्सक्राइबर कितने। दोस्तों ये जो आप छोटा सा बच्चा देख रहे हैं कितनी कम उम्र में बतासे बेच रहा है, भाई बतासे भी बहुत अच्छे बना रहा है। आधे ज्यादा गवार टाइप के लोग आते हैं तो गवारों के ऊपर फोकस ना करो और अपने घूमने के ऊपर फोकस करो, तो वही बेहतर है। और सकोड़े खाते हैं दोस्तों, बस आप मेले को देखते रहिएगा। सकोड़ा दो दे दो, दो दस के। और यहाँ पर खाने वाले हैं दोस्तों सकोड़ा, हम पहली बार सकोड़ा को खा रहे हैं। और ये रहा मेले का सबसे तगड़ा झूला। आशीष भाई बता रहे थे सकोड़े बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हम भी सकोड़े को खा रहे हैं। तो भाई सकोड़े आपको कैसे लगे? सकोड़े बहुत अच्छे थे और मैं सोच रहा था बहुत कड़ू हैं, इसमें तो ज़्यादा कड़ू भी नहीं थे और मज़ा आ गया। जैसे हम सोच रहे थे घर से मूड बना गया थे, ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे लेकिन सकोड़े जरूर खाएंगे। तो हमने खाया तो बहुत मज़ा आया सच में और बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी आइए तो सकोड़े खाइए। मुझे तो बहुत कड़ू कड़ू लग रहा है, हवा भी आ रही है। दोस्तों हम और आशीष भाई खाने वाले हैं फ्रूट आइसक्रीम। एक तो देखिए फ्रूट्स, और इन फ्रूट्स की आइसक्रीम बनती है। खाने में ये आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट होती है। 50 रुपये बेटा। और हम इस आइसक्रीम के खिलिया के पास ही है, भाई आइसक्रीम बना रहा है और हम वीडियो बना रहे हैं। देखो भाई आइसक्रीम लेके आ चुका है, हम आइसक्रीम खाते हैं और इसको कुछ इस तरह से घुमा घुमा के बनाया जाता है भाई। और ये हमारे भाई लोग हैं, बहुत अच्छे भाई लोग हैं। हाँ भाई लोग सब्सक्राइब करो भाई ने मेरे। हाँ भाई भाई बोल रहे तो प्लीज करिएगा फॉलो सब्सक्राइब लाइक। और ये रही 50 की फ्रूट वाली आइसक्रीम, अब हम दोनों भाई खाने वाले हैं। ये रही दोस्तों मेले की मेन लोकेशन, दिखाओ मेन मेला यहीं पर है। ये देखिए झूले, ओ भाई क्या गजब के झूले हैं। यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची डांस कर रही है, जो आसपास लोग हैं इनको बहुत मज़ा आ रहा है और देख भी रहे हैं और गाना चल रहा है आज की रात। यहाँ के सभी लोग मस्ती में मस्त हैं, झूम रहे हैं और हम बोलकर बता रहे हैं। दोस्तों आप मेले को पूरा शांति से देखिए, मैं पूरा घूम कर दिखा रहा हूँ। टिकट 100 रुपया है। दोस्तों भीड़ बहुत ज़्यादा है और ये रहा जादू बरोबर जादू। हेलो 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 हेलो, ये रही इस मेले की बर्गर की दुकान। यहाँ से मेला बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लग रहा है। ये भाई तो बहुत ही मज़े से तवे को बजा रहा है और बहुत सारे लोग अभी भी हैं, रात के 12 बज गए हैं, मेले को देख रहे हैं। और ये लेडीज भी हैं। तो दोस्तों हमारे राजू भैया और आशीष भैया, अभी तो मैं राजू भैया नए नए मिले, ये मेला को बहुत समय से देख रहे हैं
तो ये मेले के बारे में बताएंगे, इन्होंने मेले में कुछ नई चीज़ या कुछ खास चीज़ देखी है क्या? हाँ तो भाई बताइए। झूले में यार गया था मैंने ना, बहुत झूला झूला, बस फिलहाल लड़ाई बहुत हो रही थी यार। भाई बहुत लड़ाई हो रही थी, समझे, एक लड़की ऐसी मिली थी मुझे जो अपने फ्रेंड को उसने बचाया, बोल रही थी बे ये कैसा लड़ रहा है तू, तो मैंने भाई देखा भैया ये कानपुर में लड़ाई कसम से एक नंबर का उसने डायलॉग मारा था, इससे धक्का दे दिया था यार उसने। कसम से कानपुर में भाइयों अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कानपुर की लड़की हो तो ऐसी होनी चाहिए भाई, समझो 100 रुपए टिकट मिल रही है भाई बड़े वाले झूले की, ये समझो इतनी महंगाई है यहाँ पे। मुझे पता था राजू भैया जब मिलेंगे ना तो कुछ मेले के नई चीज जरूर बताएंगे, तो आपको बताया ना यहाँ पर लड़कियाँ भी उसमें मस्त है भाई, लौंडों को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम जा रहे हैं घर, फिलहाल जहाँ पर बाइक पार्क की थी वहाँ से बाइक लेके जा रहे हैं। गाइस बैक टू माय चैनल, आज तो हम मेला जा नहीं पाते पर कल जरूर जाएंगे। दोस्तों अब हम दशहरा का मेला देख के आ चुके हैं, मेला सच में बहुत अच्छा था और राजू भाई के रिएक्शन भी बहुत अच्छे थे, उसने तो एक नई चीज़ बता दी, और हमारे आशीष भाई तो थक चुके हैं क्योंकि वो तो लेट गए हैं, मेला बहुत भीड़ भड़के की जगह थी, तो आराम कर रहे हैं। दोस्तों अब हम भी थक गए हैं, अब जा रहे हैं लेटने, काफ़ी रात भी हो चुकी है, रात के 2 बज गए हैं लगभग, 2 पूरे करेक्टली 2 ही बज गए हैं, तो अब हम दोस्तों जा रहे हैं सोने। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आने वाले समय में हम इससे भी अच्छी वीडियो लाएंगे आपको, ब्लॉग में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाले हैं, अभी तो फिलहाल मुंबई जाने वाले हैं, वहाँ तो और मज़ा आने वाला, तो आप वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी, तो बाय बाय बाय, गुड बाय।